स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पखांजूर के सीतराम इलाके में 2 महीने में 4 मासूम दम तोड़ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया था, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में ग्रामीण शिविर का लाभ नहीं उठा पाए। सीतराम में सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र खोला है, लेकिन वह कर्मचारियों के ना पहुंचने के कारण महीनों से बंद है। इस मामले में BMO डॉक्टर DK सिन्हा ने कर्मियों के ना पहुंच पाने की वजह क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। एक बार फिर बरेली सिविल अस्पताल विवादों में घिरता नजर आ रहा है। अस्पताल में एक्सपायरी दवाएं मिली है, मामले की जानकारी SDM को मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम अस्पताल भेजी और साथ ही खुद भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने इसे साजिश का नाम भी दे डाला। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंजेक्शन किसी मरीज को लगा दिए जाते तो फिर उसमें नुकसान तो मरीज का ही होता। हॉस्पिटल में एक्सपायरी डेट की दवाई रखी हुई है। मैंने तत्काल 3 नाप इधर को मौके पर भेजा, उन्होंने जिस कक्ष में दवा के छोटा सा डिब्बा पाया ना तो किसी मरीज को लगाते हुए देखा ना किसी मरीज के द्वारा रखने चक्षुदासी मिला। ये गहन और गंभीर विषय है कि अस्पताल में वो डिब्बा कौन सा व्यक्ति रख दिया, किस मरीज को लगाने के उद्देश्य या अस्पताल के प्रशासन को बदनाम करने की साजिश थी या किसी को गलत लगाने के, वास्तव में जब दोषी कौन है इसका हम गहन परीक्षण करेंगे, BMO से रिपोर्ट लेंगे, कैमरों से जांच करेंगे। यदि संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा डिब्बा रखा तो निश्चित ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गंज बसौदा में अंग्रेजों के जमाने में बना बेतवा नदी का पुल उफान के चलते क्षतिग्रस्त हो गया। सुरंज मार्ग पर स्थित बेतवा नदी का यह पुल 100 सालों से ज्यादा पुराना है। खबर लगते ही तहसीलदार के साथ PWD और सेतु निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करने के बाद यातायात को बंद कर दिया।